तो चारों एक में भी हो सकती है, भक्ति चारों चारों में हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि जहां तक हमारे मन में किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, शरीर हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, मान हो, कीर्ति हो, यश हो, स्वर्ग हो, परलोक हो, दिव्य धाम हो, कोई हो, जहां तक हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, वहां तक प्रधानता उस काम्य वस्तु की है, जो उसके लिए साधन है उसकी नहीं। तो इसलिए इसमें डर है, परंतु भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक कोई विषय अप्रीतिकर नहीं है। भगवान के लिए कोई विषय बड़ा छोटा नहीं है, वो तो भक्त के हृदय के विश्वास को देखते हैं। विश्वास पूर्वक जिस भक्त ने भगवान की को माना, अब उसकी प्रत्येक आवश्यकता को भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वो आवश्यकता छोटी झोंपड़ी की उसकी हो और चाहे वो आवश्यकता उसकी वैकुंठ की प्राप्ति की हो। उनके लिए छोटा बड़ा काम नहीं, छोटा बड़ा काम जो है ना, ये हम लोगों के लिए है। बल्कि एक और बात है, और वो विशेष प्रेम की बात है, भगवान के लिए छोटा काम ही बड़ा काम है। सारे विश्व को, अनंत ब्रह्मांडों को अपने संकल्प में धारण करने वाले भगवान यदि गोवर्धन पहाड़ को उठा लें, तो इसमें क्या उनके लिए आश्चर्य की बात है, जिनके संकल्प में अनंता अनंत ब्रह्मांड विद्युत हैं, वे भगवान यदि किसी पहाड़ को उठा ले अंगुली पर, तो बड़ी बात हम लोगों के लिए तो बहुत है, पर उनके लिए क्या है। पर बड़ी बात उनके लिए वो है कि वो भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उठाने वाले भगवान, छोटा सा पीड़ा नहीं उठा सकते। ये महत्व है क्योंकि यहाँ पर भगवान प्रेम परवश होकर के और इस श्रुति का स्वरूप यहाँ पर प्रत्यक्ष कराते हैं। अनुरणीया महतो महियान, महतो महियान तो उनको सब जानते हैं, पर स्वरूपगत अनुरणीयान, अणु छोटे में छोटे बन जाते हैं भगवान, स्वरूप से भी, क्रिया से भी, आचरण से भी, ये भगवान की महत्ता है। भगवान वहां पर न मालूम क्या क्या करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं, तो ये भगवान की महिमा है। तो भगवान किसी का, भगवान ने, हमारे माधव दास जी एक भक्त रहे, उनका तो शौच धोते थे वो, ये भगवान का करने का काम थोड़ा ही है। पर और उसने चाहा भी नहीं। भगवान की जो एक बाण है ना, ये सिद्धांत योग क्षेमम वहामि हम, ये तो भगवान को तो हमेशा कहता रहे कहीं, तब बचता है आदमी भगवान की सेवा से। भगवान, ये उल्टी सी बात है, हम लोग मानते हैं कि भगवान नीच सेवा हमारी नहीं कर सकते, बहुत बड़े हैं, और भगवान से हमको बार बार कहना पड़ता कि भगवान हमारा ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। पर भक्तों को ये दिखता है कि उनसे बचना मुश्किल, वो आगे से आगे ऐसा काम कर रखते हैं। और सच्ची बात मैं कहता हूं, ये हमें पता नहीं है कि जगत में कौन शक्ति कब क्या काम कर रही है, वो भागवती शक्ति। उसके मैं उदाहरण दूं आपको, मेरे पास एक आदमी था, उसका नाम था हरिराम ब्राह्मण, सच्ची घटना सुनाता हूं मैं आपको। और वो वहां पर बंबई में रूई के पाटिये पर दलाली करता था, ये बात है कोई 32 वर्ष की बात होगी। वो रहता था मेरे पास, तो मैंने